हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑसम ट्रिक्स। अगर आपका कंप्यूटर आपका फ्रेंड या रिलेटिव ओपन करता है तो डर के भाग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसी ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबा जी अभी में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानेंगे इस ट्रिक काम कैसे करती है। जैसे ही आपका फ्रेंड आपको दिस पीसी को ओपन करेगा तो उसको कुछ अर्जेंट वार्निंग शो हो जाएगी, बेटा तेरा कंप्यूटर हैक हो चुका है, ओके दबा अगर तू मानता है। क्या पागल है वे, कंप्यूटर छोड़ निकल कमीने, अबे हट जाता हूँ, निकल यहाँ से, 10 मिनट में कंप्यूटर ब्लास्ट। तो फ्रेंड, इस फाइल को अपन रेडी कैसे करते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस फाइल को आपको सिंपली ओपन करना है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, यहां से आप कुछ को चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे सेव करना है आपको, यहाँ पे आपको डॉट लगा के VBS टाइप करना है, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं करना है आपको, कंप्लीट ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, सेव करना है। कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, इसको आपका दोस्त कभी ओपन नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको चेंज कैसे करेंगे। इस फाइल को अपन यहाँ से कट कर लेंगे, किसी नेक्स्ट फोल्डर में कॉपी कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद इसको मैं शॉर्टकट फाइल बना दूंगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट फाइल आने के बाद आपको सिंपली प्रॉपर्टी ऑप्शन ओपन करना है, चेंज आइकन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप कुछ भी आइकन दे सकते हो, ब्राउजर, गेमिंग वगैरह। मैं यहाँ पे PC का आइकन ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने PC का आइकन ले लिया। ओके करना है, अप्लाई, ओके। तो ऐसा आपके सामने PC का इंटरफेस शो होने लगा। यहाँ पे आपको रीनेम करना है, जैसे कि दिस PC। यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास दो फाइल पहले से ही बनी हुई है, इसलिए आ रहा था। इसको जैसे ही आपका फ्रेंड ओपन करेगा तो फिर से वार्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो यहाँ से बंद नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको बंद कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। आपको सिंपली टाइप करना है, टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाके आपको एक फाइल सर्च करनी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वेस्ट। इसको आपको यहाँ से सिंपली एंड टास्क करना है, तो एकदम फाइल नॉर्मल हो चुकी है आपकी।